वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको नागपुर साउजी चिकन रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि नागपुर में ये फेमस है बहुत चिकन रेसिपी। तो चलिए देखते हैं। इसमें मैंने खड़े मसाले लिए, सौंफ लिया है और इलायची लिया है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पत्ता वगैरह, जीरा वगैरह लिया मैंने और भूनने के लिए रखा है। नीचे मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ और जो मैंने खड़े मसाले लिए थे उसमें थोड़ा सा ज्वार का आटा 1 टेबल स्पून डाला है ताकि उसमें टेस्ट और इन्हांस हो सके इसीलिए। तो उसके बाद मैंने एक मतलब कि नारियल रहता है ना, सूखा हुआ नारियल, वो लिया है। उसको मैं अभी मतलब अच्छे से, तो यहाँ पे मैंने नारियल लिया है, अच्छे से भून के लूँगी मैं उसको गैस के स्टोव पर। तो पूरा काला होने तक आपको भून के लेना है उसको। तो ये भूनने से क्या होगा, आपका जो ग्रेवी का कलर है अच्छे से ब्लैक एकदम कलर अच्छा आएगा उसका, काला कलर आएगा। तो अच्छे से भून के लिया मैंने, देख सकते हो आप, 2 टुकड़ा लिया है मैंने, 1 किलो से थोड़ा सा कम चिकन है तो उसके अंदाज से मैंने इतना लिया है नारियल। और उसी गैस स्टोव पे मैं रख रही हूँ ये जो प्याज, इसमें मैंने 4 प्याज लिए हैं, इसमें टमाटर नहीं जाएगा, टमाटर नहीं डालना, इसलिए मैंने 4 प्याज लिए बड़े मतलब मीडियम साइज़ के। तो 4 प्याज जो है उसको भी आपको ऐसे भून के लेना है अच्छे से ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो 1 बाय 1 मैंने सारे जो ऑनियन है उसको भून के लिया है और उसी के साथ जो मेरा नारियल भुना हुआ था वो मैं ठंडा करने के लिए रखा था, वो ठंडा हो चुका है। तो उस नारियल को मैं छोटा छोटा कट में स्लाइस कर लूँगी, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, सॉरी। तो देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ नारियल के। और उसके बाद जो बाकी के जो ऑनियन है उसको भी मैं साथ ही में भून के ले रही हूँ गैस स्टोव पर। तो साथ में मेरे दो काम चल रहा है, तो ऑनियन भी यहाँ पे भून रहा है और साथ में मेरा जो नारियल है ड्राई नारियल वो भी यहाँ पे कट हो रहा है। तो मैंने नारियल कट करके लिया है, जो मसाला हमने भून के लिया था जवार के आटे के साथ वो सारा मिक्सर ग्राइंड में मैंने डाल दिया है और मैंने मिक्सर से ग्राइंड करके लिया है, देख सकते हो। अच्छा सा फाइन सा पेस्ट मैंने यहाँ पे बना के लिया है, देख सकते हो। यहाँ पे चारों मेरे जो ऑनियन है वो भी भून के रेडी है, उसको भी मैंने कट किया है, थोड़ा सा तेल डाला है उसी पैन में, तेल डाल के थोड़ा सा इसको मैं पैन में भून के लूँगी अच्छे से। तो पैन में भूनेगा, उसके साथ ही आपको मिर्च अगर चाहिए तो मैं मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 मिर्च यूज़ करने वाली हूँ, इसके साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे मैं 3 मिर्च भी डाल रही हूँ। ये जो है मिर्च, ये तीखा नहीं है, ये बस कलर के लिए है, होता है ये, तो कलर के लिए मैंने डाला है। साथ ही में मैंने यहाँ पे सलाद बना के रेडी कर लिया है कट करके, और थोड़ा सा धनिया लिया है धो के रखा है मैंने, और यहाँ पे ऑनियन भी हो चुका है रेडी भून के, ठंडा होने के लिए रखा है। जब ठंडा होगा उसको पीस के लेना है हमको, तो उसमें मैंने धनिया डाला है, धनिया डाल के आपको पीस के लेना है। तो देख सकते हो मैं अभी ये पीस के लूँगी अच्छे से, इसका फाइन सा पेस्ट बना के लूँगी। तो थोड़ा सा पानी डाल के आपको करके लेना है पेस्ट। तो देख सकते हो पेस्ट एकदम रेडी है, तो पेस्ट आप देख सकते हो पूरा लाल दिख रहा है क्योंकि जो मिर्च डाला है उसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रखा है कढ़ाई, कढ़ाई में आपको जितना तेल चाहिए उतना डाल सकते हो। तो चिकन है तो ज़्यादा तेल चाहिए, तो मैं इसमें जो टीस्पून है ये 4 या 5 इसमें से डालूंगी तेल। तो देख सकते हो आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हो आप, 1 चम्मच डालो या 2 चम्मच, वो आपकी मर्जी है। आपको अगर कम तेल खाना है तो कम भी डाल सकते हो, लेकिन चिकन है तो ग्रेवी के लिए ज़्यादा तेल लगेगा ही नॉनवेज में, तो मैं 4 चम्मच यहाँ पे बड़ी चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद तेल गर्म होने के बाद आपको इसमें कुछ राई का वगैरह तड़का देना नहीं है, डायरेक्टली आपको मैंने यहाँ पे जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा हींग पाउडर डाल के रखा था मिक्स करके, या अभी भी आप मिक्स कर सकते हो। तो वो मिक्स करके आपको तेल में डाल देना है डायरेक्टली, ताकि इसका अच्छे से स्मेल भी आएगा और इसका फ्लेवर भी उतरेगा अच्छे से। तो देख सकते हो तेल गर्म हो चुका है, उसी में मैंने ये डाल दिया है अदरक लहसुन और हींग का पेस्ट, और इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच लाल मिर्च भी डाला है, और जो मैंने पेस्ट बना के लिया था वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है मिर्ची और ऑनियन का। तो वो पेस्ट आपको यहाँ पे डाल के अच्छे से उसको भूनने रखना है तेल में, जब तक तेल ना छूटे तब तक उसको भून के लेना होता है। तो आप मैंने यहाँ पे डाल दिया है पूरा, अच्छे से मिक्स करके ले रही हूँ, देख सकते हो इस तरह से मिक्स करके लो आप, और उसको मैं ढक के रखूँगी जब तक उसको तेल ना छूटे। तो थोड़े 5 मिनट के बाद मैंने खोल के उसमें जो पेस्ट बनाया था नारियल और खड़े मसालों का वो भी मैंने डाल लिया है पेस्ट, उसको दोबारा आपको अच्छे से मिक्स करके लेना है धीमे आंच में रखकर,
ताकि नीचे से मसाले ना जले, और ढक के रखना है आपको, ये ढक के रखना है, बीच बीच में चेक करना है इसको तेल छूटा है कि नहीं। तो तेल थोड़ा सा छूट रहा है, कलर भी चेंज हुआ है, तो जो पानी उसमें थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं, और मसाले डाल रही हूँ मैं, चिकन मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी डाल रही हूँ बस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया था तेल और मिर्ची पाउडर, तो मिर्ची पाउडर मैं नहीं डालूँगी यहाँ पे। तो अच्छे से डाल के मैं मिक्स करूँगी, और जो मिक्सर का बर्तन था उसी में पानी, उसमें थोड़ा सा मसाला था उसी में पानी डाल के मैं धो के वो थोड़ा सा पानी इसमें डाल के चला लूँगी, देख सकते हो आप। इस प्रकार से आपको धीमे आंच पर ये पूरा प्रोसेस करना है, गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल भी बड़ा नहीं करना है, ताकि मसाले नीचे ना जले। तो चिकन मैंने धो के मैरिनेट करके रखा था, हल्दी और थोड़ा नमक और नींबू निचोड़ के डाला था, इसको एक आधा घंटा तक मैंने रख दिया था मैरिनेट के लिए। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मसाला भी पक चुका है अच्छे से, इसमें आपको चिकन डालना है अभी। तो इसमें ग्रेवी को भी अच्छे से तेल भी छूट गया है, तो ये चिकन जो है थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं चिकन डाल रही हूँ, और धीमी आंच पे ही अभी भी गैस, आपको बिल्कुल भी गैस फास्ट करना नहीं जब तक पूरा चिकन अच्छे से आप नहीं डालते उसमें मिक्स करके तब तक। तो चिकन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के आप उसको अच्छे से पका लो मसालों में, ताकि जो मसाला है पूरा चिकन के अंदर तक जाए, उसका फ्लेवर पूरी तरह से चिकन के अंदर घुल जाए। तो अच्छे से फ्लेवर है, और ज़्यादा तीखा भी नहीं बना रही हूँ मैं, एकदम कलर आने के लिए मैंने उसमें डाला थी मिर्च, एकदम सादा बना रही हूँ मैं, बिल्कुल भी तीखा नहीं है। तो देख सकते हो पूरा मिक्स करके हो चुका है, इसको अभी ढक के रख सकते हो थोड़ा पानी और ऐड करके। तो पानी ऐड करके मैंने रख दिया था इसको पकने के लिए धीमी आंच पे बंद करके, जैसे पकेगा उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसका तेल भी छूटेगा। तो मैंने बंद करके रख दिया था, तो अभी मैं इसको खोलूँगी, देख सकते हो पक रहा है अच्छे से, चिकन मेरा पक के भी रेडी है ऑलरेडी, और भी थोड़ा सा पकाऊँगी मैं इसको 5 मिनट के लिए। और इसमें ऊपर से आपको धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना, और कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है तीखा या नमक, तो मैंने ऑलरेडी डाला था मैरिनेशन के टाइम, तो इसलिए मैंने बाद में नमक नहीं डाला। अच्छे से चिकन पक चुका है, देख सकते हो उसका ग्रेवी में कलर भी आ चुका है और ऑयल भी छूटा है अच्छे से। तो इसमें मैं गरम मसाला डाल रहा हूँ, जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हो, तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, कम डाल रहा हूँ, एक स्पून डाल रहा हूँ सिर्फ। और जो धनिया मैंने काट के रखा था ना, वो भी मैं इसी में डाल के इसको गार्निश कर दूँगी, देख सकते हो धनिया भी डाल दिया इसको। तो उसको अभी थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए गैस पर रखना है और गैस बंद कर देना है। तो आपका ये चिकन साउजी रेडी है। अच्छे लगे रेसिपी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।